हाजीपुर में सुबह सुबह अजीब व गरीब हालत दिखी जब पुलिस वाले ही बंधक बने नजर आए। गुस्साई भीड़ के बीच घंटों बंधक रहे पुलिस टीम को पुलिस वालों ने मुश्किल से निकाला। पूरा माजरा हाजीपुर छपरा NH-19 पर हाजीपुर का है। हाजीपुर छपरा NH पर बालू लदे ट्रकों का आना जाना होता है, लेकिन NH पर बालू कारोबारियों से पुलिस द्वारा वसूली के भी आरोप लगते रहे हैं। हाजीपुर में सुबह सुबह लोगों ने बिना नंबर प्लेट की पुलिस लिखी गाड़ी को बालू के ट्रकों की जांच करते देखा। पता चला कि पुलिस टीम बगल के जिले छपरा के सोनपुर थाने की पुलिस टीम है। ट्रक वालों ने बताया कि चालान दिखाने के बावजूद पुलिस वाले जबरन पैसे की मांग कर रहे थे, फिर क्या था, लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया और सड़क पर ही बंधक बना लिया। भीड़ पुलिस वालों पर जबरन वसूली का आरोप लगाकर पुलिस वालों को कोसती नजर आई। भीड़ से घिरे पुलिस वाले पुलिस जीप में दुबके नजर आए। बंधक बने पुलिसकर्मियों ने सफाई दी। गाड़ी का पीछा करते करते गलती से दूसरे जिले में घुस आए हैं और लोगों ने 1 घंटे भर से बंधक बना रखा है। पुलिस वालों के बंधक बनाए जाने की खबर के बाद हाजीपुर के साथ सोनपुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर बंधक बने पुलिसकर्मियों और पुलिस जीप को निकाला गया। हालांकि जब संबंधित सोनपुर थाने के SHO से दूसरे जिले में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से वसूली के आरोप में बंधक बने पुलिसकर्मियों पर सवाल हुआ तो SHO साहब भागते नजर आए। बंधक बना रखा है, कितने देर से यहाँ रोक रखा है आपको? क्या बोल रहे हैं लोग? तो ये हाजीपुर में आपको यहाँ रोका गया, आप तो सोनपुर थाने से है ना? चाहते हुए गाड़ी को। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सोनपुर थाने में तैनात है। किस बात के लिए इस गाड़ी को रोके थे? गाड़ी कोलवर से आ रहा था बालू लेके, अंदर लोड बालू था, चलान के साथ था गाड़ी। उसके बाद गए थे गाड़ी आके सोनपुर थाना, आ गया हाजीपुर में गाड़ी रोक के कह रहा है कि चलान दिखा, चलान दिखाए तो उसके बाद कह रहा है चलान ठीक है 2000 रुपया लाओ, हाँ तो बैरियर पर ले चलो। तो फिर क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया? उसको पैसा दिए तो उसके बाद कह रहा कि नहीं कि बैरियर पर पैसा ले लिया, उसके बाद कह रहा कि बैरियर पर नहीं, बैरियर पर गाड़ी घुमा के ले चलना पड़े। फिर पुलिस आई, क्या हुआ, क्या बोले? उसके बाद आया पुलिस, आया उसको रोक के रखे हुए थे। तो उसके बाद सोनपुर के थाना प्रभारी और नगर थाना प्रभारी आके आया, उसके बाद उसको छुड़ा के ले गया है। उसके बाद कहा एप्लीकेशन देने के लिए। क्या आप लोग एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं? देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन कुमार। क्या बालू व्यवसायी है? हाँ, बालू व्यवसायी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।